ये जो प्रॉब्लम्स है ये अपाचे आरटीआर 4V सीरीज के सारे बाइकों में देखने को मिल रहा है, और ये जो प्रॉब्लम्स है ये कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। तो गाइस ज्यादा बातें नहीं करूंगा, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ कि मैं आरटीआर 4V सीरीज की बाइक को 2 साल से यूज कर रहा हूँ और इसमें मुझे कई सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं। दोस्तों कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे थे जो जल्दी ठीक हो गए और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी थे जो ठीक तो हो गए लेकिन काफी टाइम के बाद, और कुछ कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी आ रहे हैं कि 1 साल में अभी तक वो ठीक हो ही नहीं पाया है, उनका रिसॉल्व अभी तक नहीं हो पाया है। जब मैं इन सब प्रॉब्लम्स को लेकर सर्विस सेंटर पे गया था, वहाँ पे कई सारे ऐसे बाइक्स थे जिनका प्रॉब्लम्स जो सेम था। ये सारे प्रॉब्लम्स हर बाइक में आ रहे हैं। तो गाइस चलिए इस वीडियो में हम इन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं कि अपाचे आरटीआर 4V सीरीज के बाइकों में आते हैं। तो गाइस उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि आपका 1 सब्सक्राइब बहुत ही ज्यादा मोटिवेट मुझे करती है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ABS में काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़ रहे हैं, वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो गाइस अपाचे आरटीआर 4V सीरीज के कई सारे बाइकों के मीटर कंसोल में हमें गियर इंडिकेटर सिस्टम देखने को मिल जाता है, पर दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि गियर इंडिकेटर देना और ना देना ये बराबर हो जाता है, क्योंकि गियर इंडिकेटर जो है वो कुछ महीने बाद खराब हो जाता है। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही है, 5 से 6 महीना ये ठीक काम करा और उसके बाद ये बिल्कुल भी खराब हो गया। जब मेरी बाइक न्यूट्रल पे होती है तब ये 5 बताता है, और जब मेरी बाइक 4 पे होती है तब ये 2 बताता है, और कभी कभी तो 5 गियर पे भी ये न्यूट्रल बताता है। तो दोस्तों इस तरीके की प्रॉब्लम जो है काफी ज्यादा अभी फेस करनी पड़ी है, 1 साल हो गए अभी इसका कोई भी सलूशन नहीं मिल पाया है। मैं सर्विस सेंटर जाकर थक गया हूँ पर इसका जो सलूशन है नहीं मिल पाया है। तो गाइस आपके एक्सपीरियंस में भी ऐसा ही कुछ हो रहा हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, और अगर सलूशन आपके पास हो वो भी कमेंट में जरूर बताना, और अगर प्रॉब्लम आपके पास हो वो भी जरूर बताना। अगर मुझे कोई सलूशन मिलती है इस गियर इंडिकेटर का तो मैं आपको जरूर कमेंट में बता दूंगा। तो गाइस दूसरा जो पॉइंट है वो काफी छोटी सी है, पर दोस्तों प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम होती है, वो छोटी हो या बड़ी, क्योंकि बाइक जब हम परचेस करते हैं तो छोटी से ही छोटी प्रॉब्लम को हम बारीकी से देखते हैं। तो गाइस अपाचे आरटीआर 4V सीरीज में हमें टाइम मिल जाती है जहाँ से हम टाइम का पता कर सके कि कितना टाइम अभी हो रहा है, पर ये अभी वेस्ट है क्योंकि ये टाइम भी ठीक से बाइक में काम नहीं कर रहा है। अगर 3 दिन के लिए आप बाइक को ऐसे ही छोड़ दो तो ये 1 घंटा डिले हो जाता है। पता नहीं क्यों दोस्तों इसका भी सोल्यूशन नहीं निकल के आ पा रहा है। अगर आप 1 हफ्ते तक छोड़ दो अपनी बाइक को ऐसे ही तो ये 2 से 3 घंटे तक डिले हो जा रहा है। बार बार मुझे टाइम को सेट करने की जरूरत पड़ती है। तो गाइज अगर आपको भी टाइम को बार बार सेट करने की जरूरत पड़ती है तो कमेंट में जरूर लिखना, और अगर आपको टाइम सेटिंग करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आते हैं, आप टाइम सेट नहीं कर पाते हो, तो उसके लिए मैं एक डिटेल में वीडियो बनाया हूं जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि टाइम को हम कैसे सेट करते हैं आरटीआर 4V सीरीज में। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन पे है और आई बटन पे भी मैंने दे दिया है, आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो, और टाइम को कैसे सेट करते हैं आरटीआर 4V सीरीज में आप वहां से सीख सकते हो। तो गाइज ये तो थे छोटे छोटी प्रॉब्लम्स जिनका होना हुआ या ना होना बाइक में कोई फर्क नहीं पड़ता, पर दोस्तों अब जो प्रॉब्लम्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं आगे। मेरा जो ABS है उसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रहे हैं, क्योंकि मेरा भी ABS वाला वेरिएंट है, मेरे बाइक में भी ABS है। तो गाइस ABS का काम क्या है कि व्हील को लॉक नहीं होने देता है, वो जब हम ब्रेक को लगाते हैं तो ये पकड़ती है फिर छोड़ती है, फिर पकड़ती है फिर छोड़ती है, इस तरीके से ब्रेक लगता है ABS में। पर गाइस 1 से 2 साल के बाद ये ठीक से काम करना बंद कर देता है। दोस्तों ये तो हमें पता है कि जैसे ही लॉक होने लगती है व्हील तो ये ब्रेक छोड़ देता है, पर प्रॉब्लम इसी में आ रही है कि जब ब्रेक को छोड़ता है तो दोबारा उसको ब्रेक लेना चाहिए, पर छोड़ने के बाद ये ब्रेक नहीं ले पा रहा है, तो मुझे रियर का ब्रेक यूज करना पड़ रहा है इमरजेंसी के लिए, या फिर मुझे ब्रेक को दोबारा छोड़ के दोबारा लेना पड़ रहा है, तब ये ठीक से काम कर रही है। इसका सोल्यूशन भी अभी तक 1 साल हो गए दोस्तों, अभी तक कोई भी सोल्यूशन इसका निकल के नहीं आ पाया है, लगता है कि ये कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। तो गाइज अगर आपके एक्सपीरियंस में भी ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो कमेंट में मुझे जरूर लिखना, अगर कुछ सोल्यूशन आपको मिलता है तो वो भी कमेंट में जरूर डाल देना। गाइज प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं,
पर दोस्तों मैंने उनका जिक्र नहीं किया क्योंकि वो रिसॉल्व हो गए हैं और हो सकते हैं। मैंने वही बताया जो कि रिसॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें शुरू से लेकर अभी तक क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे फेस करने पड़े हैं वो सारे मैं आपको शेयर करूंगा। तो गाइस चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब काफी ज्यादा मोटिवेट मुझे करती है।